50,000 करोड़ का बजट और 936 किलोमीटर की 8 नेशनल हाई स्पीड रोड जिसमें 4 लेन अयोध्या रिंग रोड भी शामिल। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट, कहां कहां बनेंगे 8 नेशनल हाईवे और किन एरियाज को होगा इनसे सबसे ज्यादा फायदा, आइए जानते हैं इस वीडियो। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 2 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई जिसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए जिसके तहत देश में 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 936 किलोमीटर लंबी सड़क बिछाई जाएगी। ये सभी कॉरिडोर लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार रहेंगे क्योंकि ये लोगों के समय के साथ ईंधन खर्च की भी बचत करेंगे। तो आइए जानते हैं ये 8 नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आगरा से ग्वालियर तक का हाई स्पीड 6 लेन रोड। ये हाई स्पीड रोड 88 किलोमीटर का बनेगा जिसकी लागत 4,613 करोड़ रुपए होगी। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन के लिए बहुत अहम है। ये नेशनल हाईवे ताजमहल, आगरा के किले और ग्वालियर के किले से कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इससे आगरा और ग्वालियर के बीच की यात्रा समय 50% कम हो जाएगा और साथ ही अगर दूरी की बात करें तो वो 7% तक कम हो जाएगी। ये हाईवे आगरा जिले में देवरी गांव के पास से शुरू होकर ग्वालियर जिले में सुसेरा गाँव के पास तक जाएगा। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और मोरीग्राम के बीच 231 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर जिसे 10,247 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस रोड से खड़गपुर और मोरीग्राम के बीच मौजूदा 9 से 10 घंटे की यात्रा के समय को घटाकर केवल 3 से 5 घंटे तक कर दिया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा इस रूट पर चलने वाले मालवाहक वाहनों को होगा। अब बात करते हैं अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की। इस 6 लेन रोड को 10,534 करोड़ रुपए की लागत से बिल्ड और प्रेट ट्रांसफर यानी BOT मोड में विकसित किया जाएगा। इस रोड के बनने से गुजरात के थराड और अहमदाबाद के बीच की दूरी 20% तक कम हो जाएगी, साथ ही समय भी घटकर 60% तक कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम रोड है 4 लेन अयोध्या रिंग रोड। 68 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस नियंत्रित अयोध्या रिंग रोड को 3,935 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस रोड से सबसे ज्यादा फायदा राम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को होगा। इस रोड के बनने से NH 27, NH 330 और NH 135 पर भीड़ भाड़ से थोड़ी राहत मिलेगी। इस कड़ी में अगला नाम है कानपुर रिंग रोड का। ये 6 लेन रोड 3,298 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये सेक्शन कानपुर के चारों ओर 6 लेन नेशनल हाईवे रिंग को पूरा करेगा। ये रिंग रोड प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे NH 19, NH 27, NH 34 और आगामी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी के यातायात को कानपुर शहर की ओर जाने वाले यातायात से अलग करेगा। इस रिंग रोड के बनने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच माल यात्रा काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। इस 5 अहम रोड्स के अलावा रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का निर्माण होगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट से रायपुर रांची, आगरा ग्वालियर, कानपुर लखनऊ, खड़गपुर मोरीग्राम, अहमदाबाद, अयोध्या, पुणे, नासिक और गुवाहाटी को फायदा मिलेगा। साथ ही सरकार ने दावा किया है कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में रोजगार भी पैदा करेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।